यूपी बोर्ड के रिजल्ट की। जी हाँ, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में छात्र बेसब्री से इस परीक्षा के नतीजों का इंतजार कर रहे थे और यूपी बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 58,622 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इस बार हाईस्कूल में लगभग 32 लाख स्टूडेंट्स और इंटरमीडिएट के लिए 26 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। हम लोगों ने सबसे पहले हाई स्कूल इंटरमीडिएट का परीक्षा फल एक साथ घोषित किया है, ये आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। और इसमें हमारे हाई स्कूल का रिजल्ट पहले से काफ़ी अच्छा है, पिछली बार 75% था, अब की 80% है। और इंटर का प्रतिशत हमारा 2% घटा, पहले 72 था, अब 70। देखिए, 58,622 बच्चे कुल पंजीकृत थे, इसमें से लगभग टोटल 6.5 लाख के लगभग बच्चों ने छोड़ दी थी, शेष बच्चे परीक्षा में शामिल।